आपके साथ चल रहा हूँ। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। दो तीन गालियाँ देनी है वो भी दे दो, मैं सुन लूंगा। अच्छी बात बोलनी है वो भी बोल दो, सुन लूंगा। अच्छा, मगर ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि भैया तुम बोल नहीं सकते हो। वो किसी की भी आवाज़ नहीं सुनते, विरोधी को छोड़िए, वो तो बीजेपी के लोगों की आवाज़ नहीं सुनते। पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी मुझे कहते हैं। कौन कौन, जैसे नाम ले सकते हैं? अच्छा, मैं तो उनको फंसाना थोड़ी चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ये है एक, ये खड़े कांग्रेस पार्टी में, इनको ये बीजेपी को छोड़ के आए हैं। अच्छा, उनको इनको मीटिंग में कहा चुप हो जाओ। आपके पिता प्रधानमंत्री थे, आपकी दादी प्रधानमंत्री थी, आपके नाना थे, पर आपने ये कहा कि मैं इस चीज़ का सिम्टम हूँ और मैं इसे बदलना चाहता हूँ। करीब 14 साल हो गए, तो आपको ऐसा कौन कौन सा लगा जहाँ पे आपने और लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया? मेरा नाम श्यामीरा सिंह है, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ। पहले मैं आज तक में काम करता था। अच्छा, तो पहले आज तक में क्या हुआ आपके साथ? सर, मैंने एक ट्वीट किया नरेंद्र मोदी के लिए। क्या वो ट्वीट किया था कि मोदी जी सेमलेस प्राइम मिनिस्टर? वो इस बात पे किया था कि उस टाइम पर जो दानिश सिद्दीकी थे और उनकी उनको उन्होंने श्रद्धांजलि भी नहीं दी थी और बाकी लोगों को दी थी, और इवन व्हाइट हाउस ने या ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, सब ने उनको एक मतलब श्रद्धांजलि दी, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने नहीं दी, ना विदेश मंत्रालय ने दी। तो इस बात पे मैंने लिखा कि कैसे वो धर्म के आधार पर मरने वालों के बीच में भी भेदभाव करते हैं, पत्रकारों के बीच में भी भेदभाव करते हैं। तो इस चीज़ पर मैंने लिखा था, तो आज तक ने मुझे निकाल दिया इस बात। तो आज तक ने आपको निकाला? हाँ, आपको क्या लगा? सर, मुझे यही लगा कि इतना डर का माहौल क्यों है, मतलब क्या आई आपके बारे में? मेरे बहुत सारे पत्रकार हैं, इवन हम खुद लिखा करते थे आपके बारे में, क्या क्या नहीं लिखा लोगों ने, लेकिन लोगों के मन में ये डर नहीं था कि कोई निकाल देगा उनको नौकरी से। कांग्रेस के खिलाफ उस टाइम पर मीडिया में इतना सारा कुछ हुआ, लेकिन आज लोगों के मन में ये जो फीलिंग है कि हम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो ये देश तो केवल दो लोगों का नहीं है। तो ये जो फीलिंग है ना डर की, वो एक डर है इसका है। तो मुझे एक चीज़ आपका, मैंने एक भाषण सुना, कौन सा, जिसमें आपने ये कहा कि डरो मत, जो डरता है वो प्यार नहीं करता। तो मुझे ये चीज़ समझनी है कि डर और प्यार में क्या संबंध है, क्योंकि मैंने जो सोचा है उसको लेके पर्सपेक्टिव जो मेरा है। चीज़ से डरते हो? मैं सर, जैसे अभी जो वर्तमान में तो मेरे मन में जो सबसे डर है वो अपनी फैमिली को लेके है, अपने भविष्य को लेके है। और सच बताऊं तो मुझे आने वाले जो 2024-28 में देश की स्थिति क्या होगी उसको लेके है। तो मुझे, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने जज लोया को लेके वीडियोज बनाई, तो मैं कभी भी कोई वीडियो बनाता था तो शाम को छत से जैसे नीचे जाता था, लेकिन जब मैंने जज लोया पे बनाई तो मेरे अंदर एक डर था सर, कि मैं किस चीज़ का डर था? डर था सर, सरकार का डर था। सरकार का डर था? बिल्कुल डर है। आपको क्या लग रहा था सरकार क्या कर सकती है, मैक्सिमम क्या कर देगी? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगी? ज्यादा से ज्यादा सर जेल डाल देगी, और क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा मार देगी, ज्यादा जान से मार देगी। हाँ नहीं, मैंने सर आपके नहीं, ज्यादा से ज्यादा मार देगी ना जान से। हाँ हाँ, तो आपको इनडायरेक्टली डर मौत का ही था? बिल्कुल। जब आपको किसी ने कहा, हाँ, कि देखो, जब आपको आज तक के लोगों ने कहा कि देखो हम तुम्हें निकाल रहे हैं, हाँ, तो ऊपरी जो डर था, ऊपर का, वो था कि ये मुझे फायर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मगर जो गहरा डर था, हाँ, कि अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा, हाँ हाँ चलेगा, तो मैं भूखा मर जाऊंगा, हाँ, मैं अपने परिवार की मदद नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल, वो मर जाएंगे, एंड रिजल्ट वही है। डर का काउंटर कैसे होता है? डर को काटता क्या है? हाँ बताइए। डर को प्यार काटता है। अच्छा ठीक है। हाँ, जिसमें दूसरों के लिए प्यार होता है, हाँ, जिसमें, हाँ, अपने लिए प्यार होता है। मान लीजिए आप हैं और आप सिर्फ दूसरों से प्यार करते हो, अपने आप की आपकी कोई फीलिंग है ही नहीं, आप डर सकते हो? नहीं, मतलब जैसे तो जितना आप अपने ऊपर आक्रमण करोगे उतना आपका डर कम होगा। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी राजीव जी के बारे में किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक आर कार्तिकेय नाम के सीबीआई अधिकारी हैं, जिन्होंने एक राजीव जी ने उनसे कहा और तमिलनाडु के सीएम से कहा कि मैं रैली में या वैसे पूरे शहर में एक खुली जीप में घूमना चाहता हूँ और बिना पुलिस के घूमना चाहता हूँ। और जिस दिन ये उनकी राजीव जी की हत्या भी की गई, उस दिन जो लड़की थी
उस लड़की को भी पुलिस वालों ने रोका था, लेकिन राजीव जी ने उसको हटाया कि नहीं नहीं आने दो। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने रहे। और मैं एक इंदिरा जी का भी लेता हूँ कि इंदिरा जी की डेथ से दो दिन पहले वो उड़ीसा थी। शिव जी की फिलॉसफी जानते हो आप, जीते हुए मर जाओ, मतलब जीते हुए मौत को एक्सेप्ट कर लो। जो जीते हुए मौत को एक्सेप्ट कर लेता है वो डरता नहीं है, और जो जो डरता नहीं है वो प्यार करता है। जैसे दूसरी बात है। अच्छा, तो आपको मतलब बीते 8 सालों में, जैसे आपको अभी ईडी ने समन किया आपके परिवार को, तो बहुत लोगों में ये फियर था कि अब कांग्रेस जो है, ये जो सत्ताधारी पार्टी है, संसार मुझे सिखाता है, संसार के सब फोर्सेस आप अभी मुझे सिखा रहे हो, ये मुझे अभी सिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस, नफरत, इन सब चीज़ों से मैं सीखता हूँ। ईडी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा मार देंगे, ठीक है मार दो, उसके बाद ठीक है जेल डाल दें, डाल दो, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैं यहाँ भी सीख रहा हूँ, वहाँ भी सीखूँगा। जैसे मैंने कई वीडियो देखे, तो जैसे मटकी है या नारियल है और वो लोग आपको दे रहे हैं, तो जैसे राजीव जी को भी जो दिया गया वो चंदन की माला थी, तो मुझे बड़ा, मुझे जब ये पता चला कि मैं आपके साथ चलूँगा, तो मुझे अपने लिए डर लग रहा था आपसे ज़्यादा, सही बता रहा हूँ। हाँ। कि मैं इतने, जैसे आप सिक्योरिटी को एकदम नज़रअंदाज कर देते हो, चले जाते हो, आपको डर लगना चाहिए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। मगर देखो, मैं डर को मिटाने की बात नहीं कर रहा, डर गाइड होता है, उससे आप दोस्ती करो, उससे आप जो आपके अंदर डर है उसको आप अपना मित्र बनाओ, वो आपको रास्ता दिखाएगा। आँख बंद करके दूसरी ओर मत भागो। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, आप में जो अहंकार है, नफरत है, सब गायब हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई एग्जांपल रहे सर, मेरे दिल में आपकी जिंदगी का कोई ऐसा उदाहरण रहा हो। पूरी जिंदगी यही है। अच्छा, पूरी जिंदगी यही है। हाँ, अगर व्यक्ति देखे ठीक से तो हर एक व्यक्ति की जिंदगी यही तो है। हाँ हाँ, जैसे मैं एक और इसमें लेता हूँ, मान के चलिए कि आप मतलब कभी पावर में होते हैं, तो पत्रकारों को क्या सिक्योरिटी देंगे? जैसे मैंने बताया आपको कि मैं जज लोया पे वीडियो बनाई, सोहराबुद्दीन पे बनाई, हिरेन पांड्या पे बनाई, आपके साथ चल रहा हूँ, तो मुझे डर लगा। मैं आपके साथ चल रहा हूँ। हाँ, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, क्या ये आगे भी रहेगा? मैंने आपको ये तो नहीं बोला ना कि भैया देखो इधर आओगे तो मेरे बारे में ये और ये नहीं पूछ सकते। हाँ, ये तो मैंने बोला भैया ब्लैंक स्लेट है, जो पूछना पूछ लो। हाँ, दो तीन गालियां देनी है वो भी दे दो, मैं सुन लूंगा। अच्छी बात बोलनी है वो भी बोल दो, सुन लूंगा। मगर ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि भैया तुम बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आपके मुंह में हिंदुस्तान की आवाज़ है, सिर्फ आपके नहीं, इन सब लोगों के मुंह से हिंदुस्तान की आवाज़ निकलती है। अच्छा, जैसे ईडी के बारे में आपको समन भेजा गया, तो आप कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स थे पहले, भले हल्के थे, पतरे थे, लेकिन जैसे भी थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। तो मेरा ये मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि अगर आपकी सरकार आती है, आपके लोग आते हैं, तो ईडी सीबीआई को क्या आप स्वतंत्र करेंगे, ये कानून लेके आएंगे एक अलग से, ताकि बार बार जो सरकारें बार बार ईडी को दबाती हैं? आपको सिंपल सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी एक व्यक्ति के या किसी संगठन के नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो हिंदुस्तान की जनता के हैं। इसका मतलब उनका काम जनता के इंटरेस्ट का रक्षा करने का है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका काम किसी एक व्यक्ति को राजनीतिक फायदा पहुंचाना या किसी दूसरे व्यक्ति किसी संगठन को मदद करना नहीं। और आज क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के सारे संगठन दो तीन चार व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं और ये सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है, बिजनेस में भी यही हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी बीजेपी का कोई क्लोज बिजनेसमैन है तो ईडी का इस्तेमाल करके उसको फायदा पहुंचाया जाता है। जैसे अभी हसदेवरन का मामला बहुत चला, आपको मैंने एक जगह भाषण देते हुए देखा, आदिवासियों में भी और एक यूनिवर्सिटी में भी, शायद वो बाहर की थी,
और आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वहाँ पे दिखाया और सीरियसली बहुत लोगों को वो अट्रैक्ट किया कि राहुल एक कमिटेड नेता है, आपके भाषण से ऐसा लगा। लेकिन बाद में जैसे राजस्थान सरकार की और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा से पैक्ट होता है, मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने कई बार कहा है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, यही ठेके कांग्रेस के टाइम पर भी दिए ही जाते थे, नहीं ना? तरीका देखिए, हाँ तरीका बिल्कुल अलग है। राजस्थान में जो अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली, वहाँ पे किसी को दबा कर, डरा कर, लोगों को परे करके नहीं किया जा रहा। तो एक ये है। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी में डिस्कशन चलता है, हमारी पार्टी में, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी उसमें अलग अलग राय भी हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की राय है, मेरी राय है, तो वो भी बात होती है। मेरी राय कभी कभी थोड़ी अलग होती है, उनकी राय थोड़ी अलग होती है। तो सर ये हसदेव अरण्य को लेके आपकी राय क्या है अभी? मैंने आज भाषण में बोला कि जो आदिवासी शब्द है उसका मतलब है हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक, और आदिवासियों को, गरीबों को देश में हक मिलना चाहिए, जो उनका है वो उनको मिलना चाहिए। सर ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेखा के इस तरफ नहीं, बिल्कुल मैं देख भी रहा हूँ। जैसे मुझ पर जब UAP लगाई गई तो जो आपने कहा ना कि आपका डर कैसे ख़त्म होगा, डर के लिए कई बार साथ की जरूरत होती है, लोगों को आसपास देखते हैं, तो उनमें से आप एक नेता थे जिन्होंने इसके खिलाफ लिखा UAP के खिलाफ कि UAP नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये तो मैं मानता हूँ कि आप रेखा के इधर खड़े हैं, ये मैं मानता हूँ, पर मेरा एक और है सर कि क्या आप अपने आप को सोशलिस्ट मानते हैं नेहरू की तरह, या आप एक सामान्य जो जैसे धरना चल रहा है वही है? आपके आने के बाद नेहरू को ये टर्म दी जाती है, ये सोशलिस्ट है, किसी को कहा जाता है ये कैपिटलिस्ट है। मेरा एक ही इंटरेस्ट है, हिंदुस्तान की जो जनता है उनका फायदा करना, और हिंदुस्तान में शांति, भाईचारा और हार्मनी का एटमोसफेयर क्रिएट करना। नहीं, मैं हर सिचुएशन को देखकर, उसके बारे में सोच समझकर मैं डिसीजन लेता हूँ। नहीं, मैंने ये देखा है, ये कहना कि भैया ये अच्छा इस बॉक्स में बैठा है, अच्छा मैं किसी बॉक्स में नहीं हूँ। मैं सिचुएशन को देखता हूँ, सिचुएशन को गहराई से समझने की कोशिश करता हूँ और फिर निर्णय लेता हूँ। मेरा ये सवाल है सर कि क्या आने वाले भविष्य में राहुल के नेतृत्व में लोग या जनता या यूथ ये इमेजिन कर सकते हैं कि राहुल अगर आएंगे तो मुफ्त शिक्षा पे बात होगी, मुफ्त हेल्थ पे बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन पे बात होगी? जैसे ये बोल रहे हो ना, हाँ। राहुल आएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं आएगा, एक सोच आएगी, ठीक है, जनता की एक आवाज उठ के आएगी। जिस आवाज के साथ मैं खड़ा हूँ वो आवाज शिक्षा, स्वास्थ्य और इक्वालिटी की बात करते हैं। बिल्कुल, तो मेरी थिंकिंग है, तो आप इसमें बिलीव करते हैं? जी, हाँ, जी, जी। आप सवाल पूछते हैं फिर इंटरप्ट कर जाते हैं, तो आपने कहा ना डरो मत। चलो करो, बोलो, पूछो। मैं यही कह रहा था कि क्या आप इसमें बिलीव करते हैं कि राहुल के नेतृत्व में इकोनॉमी में जो है उसके राहुल जो जैसे अभी तो नहीं, जनता कांग्रेस के में, कांग्रेस जनता में? अच्छा, जनता, अच्छा, जनता की आवाज का नेतृत्व, अच्छा। हमारा काम आवाज को सुनने का है, हमारा काम जनता से गले लगने का है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, और उसकी जो आवाज है उस आवाज का प्रयोग करके हिंदुस्तान को आगे ले जाने का। बिल्कुल, मेरी प्रॉब्लम RSS से क्या है बताइए? मेरी प्रॉब्लम है कि वो किसी की सुनते ही नहीं है, उन्होंने उनकी माइंड में उनको सब कुछ मालूम है, उनको खेती के बारे में मालूम है, उनको मजदूरी के बारे में मालूम है, मजदूरी कभी की नहीं है मगर सब मालूम है। तो मेरा कहना है, देखिए खेती की बात करनी है तो किसान से जाके बात कीजिए, उसकी बात सुनिए, बता देगा आप।
तो वो हिंदुस्तान की आवाज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये मेरा उनके साथ प्रॉब्लम है। मैं गलत फहमी मत आइए, मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ता हूँ। मेरे दिल में हर जीव के लिए करुणा है, उनके लिए भी। मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता हूँ, मगर मैं उनके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई जरूर लड़ूंगा। सर मेरा एक और सवाल है इसी में, आपने जैसे कहा कि आपकी नफरत नहीं है, आपके उनके जो लॉज हैं या जो जिस तरीके से वो लागू करते हैं, जैसे CA NRC लाए या किसान आंदोलन लेके आए, तो जो विरोधी आवाज थी, चाहे वो किसान थे चाहे मुस्लिम थे, उन्होंने अगर बात रखी तो उनको जेलों में डाल दिया गया। विरोधी तो यहाँ पे नहीं। यहाँ पे नहीं। हाँ, हाँ। वो किसी की भी आवाज नहीं सुनते। विरोधी को छोड़िए, वो तो बीजेपी के लोगों की आवाज नहीं सुनते। पार्लियामेंट में बीजेपी के MP मुझे कहते हैं, कौन कौन जैसे नाम ले सकते हैं? अच्छा, मैं तो उनको फंसाना थोड़ी चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ये है, ये खड़े कांग्रेस पार्टी में, इनको ये बीजेपी को छोड़ के आए हैं। अच्छा, क्योंकि उनको इनको मीटिंग में कहा चुप हो जाओ, पार्लियामेंट में, तो इनका नाम तो दे सकता हूँ। अच्छा, मगर ऐसे बहुत सारे बीजेपी में बैठे हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें तो हमारी बात ही नहीं सुनता कोई। तो बिल्कुल सेंट्रलाइज तरीके से बिना किसी के सुने, और इसके बहुत उदाहरण है, नोटबंदी, GST, कोरोना के समय जो किया गया, चाइना के साथ जो हो रहा है, ये सब उसके उदाहरण है। आप सेना की बात नहीं सुनते हो, आप सेना की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जो आपको लगता है आप करवा देते हो। अच्छा, तो ऐसे देश नहीं चल सकता। आपको ऐसे कौन से, पिछले 8 साल से आप विपक्ष में, आपको ऐसे कौन से फैसले लगे या ऐसी कौन सी सिचुएशंस थी जिनको आप होते तो अच्छे से हैंडल करते, मतलब ऐसी 3-4 सिचुएशन आप बता सकते हैं? नहीं, देखिए ये मैं होता की बात नहीं है, जनता की आवाज सुनने की बात है। आप अगर हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक, सबसे बड़े उद्योगपतियों को छोड़ के, अगर मोदी जी चले जाते और कहते भैया बात बताओ, सीक्रेट में चले जाते और कहते भैया बात बताओ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नोटबंदी कर दूँ, आपको क्या लगेगा, क्या लगता है फायदा होगा नुकसान? 99% लोग हाथ जोड़ देते, कहते भैया ऐसा मत करिए, हम छोटा बिजनेस चलाते हैं, हमारा कैश फ्लो सब खत्म हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। किसान कहते भैया ये मत कीजिए, हमने घर में थोड़ा पैसा रख रखा है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, यही बात GST की, यही बात कोरोना के समय जैसे हम अभी चल रहे हैं, किसी ने मुझे कहा कि देखो इतना लंबा सफर कर रहे हैं, कोई लंबा सफर नहीं है, हिंदुस्तान के हर मजदूर ने ऐसा लंबा सफर किया है कोरोना के समय। अगर प्रधानमंत्री 2 मिनट आँख खोल देते और देख लेते कि भैया हो क्या रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो देश है जिसको हम भारत माता कहते हैं, इसकी एक आवाज़ है और वो बहुत गहरी आवाज़ है। अच्छा सर, मैंने आपका एक उसको मिलेगा तो दो दो उस आवाज़ को सुनना हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेताओं का फर्ज है। सर जैसे 2008 का एक मैंने आपका स्पीच सुना था देहरादून का, उसमें आप कह रहे हैं कि जो जैसे आप यहाँ आज हैं वो आप अपने फैमिली की विरासत से हैं, है ना, और आपके पिता प्रधानमंत्री थे, आपकी दादी प्रधानमंत्री थी, है ना, आपके नाना थे, पर आपने एक कहा कि मैं इस चीज़ का सिम्टम हूँ और मैं इसे बदलना चाहता हूँ। तो पिछले 8 से जैसे अभी 16 करीब 14 साल हो गए, तो आपको ऐसा कौन कौन सा लगा जहाँ पे आपने और लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया? ये आप देखने क्या हो रहा है? नहीं, मैं आपके मुँह से चाहता हूँ कि आप देखें क्या हो रहा है, और मेरी कोशिश रही है। देखिए मैं, आप परिवार की बात कर रहे हो, बट परिवार की एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी की सोच की हम रक्षा करते हैं, उसको हम डिफेंड करते हैं, उसको हमारे परिवार ने अंग्रेज़ों के खिलाफ डिफेंड किया और बाद में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मदद करने के लिए किया। तो वो जो है, जो मेरी विचारधारा है, उसके लिए तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, उस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अच्छा, तो सर एक 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 और मतलब ऐसे लोगों में, जैसे एक यूथ की बता रहा हूँ मैं, आमतौर पे बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं कांग्रेस से सिंपैथी रखते हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का वक्त देखा है, लेकिन यूथ जो जैसे इंटरनेट के दौर में जो बड़े आगे,
उनको एक चीज़ बड़ी खलती है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जिनको लोग चुन के भेजते हैं, वो कई बार इतने कच्चे कैसे निकल जाते हैं कि वो तुरंत ही मतलब भाजपा की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस के विधायकों के प्रति, पार्टी के प्रति जो विश्वास है, उसको रीबिल्ड कैसे करेंगे? विश्वास की बात नहीं है, यहाँ पे हो क्या रहा है, इन विधायकों को खरीदा जा रहा है। और ये सब जो विधायक हैं, जो बिकते हैं, नेता जो बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, ईडी से दबाए जाते हैं, ये सब भ्रष्ट लोग हैं। तो इसके भी रूप में मतलब डर है? नहीं, डर है। मैं चाहता हूँ कि सब के सब उधर भाग जाएं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है। क्योंकि क्योंकि ये आप विधायकों की बात कर रहे हो, कांग्रेस कैसे भरोसा दे? अरे भाई, अगर अगर कोई करप्ट है, भ्रष्ट है, उसको आप 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए से खरीद सकते हो, ले लो उसको। अच्छा, हमें नहीं चाहिए, तो हमें साफ सुथरे नए लोग चाहिए, बाकी लोगों से बात करनी। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो, नहीं अरे ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए भैया, भैया ऐसे मत करो, चलना है प्यार से चलो, धकेलना नहीं है, जिसको लाना है एक एक करके ले आओ। हेलो बेटा, आपकी अगली भारत जोड़ो यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और संपूर्ण महाराष्ट्र की ओर से। थैंक यू।